हेलो दोस्तों, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PEB यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में अभी जो हाल ही के दिनों में एग्जाम किए जाने हैं उन एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ मैं आपको, और आने वाले समय में 2021 में कौन कौन से फॉर्म अभी डलेंगे PEB यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के जरिए पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं अपकमिंग एग्जाम्स की डेट बताई जा रही है किस तरीके से रहेगी, क्या कैसी क्या पूरी डिटेल्स है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं PEB यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए मैंने यहां पर अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है। ब्राउजर पर सिंपली यहां पर आपको टाइप कर देना है PEB होम। इतना टाइप करने के बाद जैसे ही आप PEB होम टाइप करोगे तो यहां पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी होम पेज PEB। तो यहां पर आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप अगर जानना चाहते हो कि कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है तो यहाँ पर आप नवीन सूचनाओं में देख सकते हो, लेकिन हम नवीन सूचनाओं में बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर इसे इंग्लिश में किए लेते हैं। इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पर इसके शेड्यूल पर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश के बटन पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे इंग्लिश में हो जाता है तो मैं यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल के बटन पर क्लिक किए देता हूं, जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा जहां पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। सिंपली यहां पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर 2020 में यहां पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आई थी उनके बारे में यहां पर बताया गया है। तो यहां पर 6 जनवरी बता रहा है इसका एडवर्टाइजमेंट डेट। जितने भी 2020 के अपकमिंग एग्जाम्स थे उनकी डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी, तो इसीलिए यहाँ पर शेड्यूल में देखने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम इसके होम पेज पर चले जाते हैं दोबारा से। अब देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में E-Tender MOW Maintenance Work Notice Number 5/2021, मतलब कि यहाँ पर कुछ नया देखने को आपको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड चयन भवन मेन रोड, इसका एड्रेस दिया गया है प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल द्वारा। नीचे उल्लेखित कार्य हेतु लेबर एवं सामग्री सहित लोक निर्माण विभाग PWD में प्रचलित SOR प्रतिशत के आधार पर लोक निर्माण भवन के पंजीकृत ठेकेदारों से ई निविदा के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। तो मतलब कि यहाँ पर एक अजीब और गरीब काम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस काम का नाम है बोर्ड के कार्यालय भवन तथा आवासों में MOW एवं रखरखाव कार्य, मतलब कि यहाँ पर रखरखाव का कार्य करना है यहाँ पर आपको। मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से टेंडर निकाला गया है, अगर आप इस टेंडर को लेना चाहते हो, ठेकेदारी का टेंडर है, यहाँ पर भवन निर्माण वगैरह कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 लाख तक का आपका काम रहेगा। अगर आप लेना चाहते हो इस ठेके को तो जरूर लीजिएगा, आवेदन करिएगा, इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार मैंने PEB की वेबसाइट पर यहाँ पर टेंडर का काम देखा है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर आपकी जान पहचान में कोई है तो उसे भी जरूर बताइएगा। इसके बाद दोबारा से हम होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए रिजल्ट ग्रुप 5 फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की, यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उपलब्ध सेवाओं में उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्त करें, मतलब कि वही सब चल रहा है, पासवर्ड बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। इसके बाद उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। और एडवांस में यहाँ पर विकलांग पंजीयन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप विकलांग का पंजीयन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है। और अगर आप मध्य प्रदेश में किसी PEB के माध्यम से किसी भी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई परीक्षा इसके माध्यम से निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब सब कुछ ठप हो चुका है प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड में। तो इसीलिए अब इसके सहारे बैठना तो बेकार है, आप सेंट्रल की अदर वैकेंसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई भी स्पेशल नोटिफिकेशन यहाँ पर PEB के माध्यम से देखने को हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा है आज का आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ अपनी राय हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर दे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।